Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. न जाने क्यों हम अपने दीन के अरकान का मजाक तो खुद उड़ाते हैं मगर इसका मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं दूसरों को। इस्लाम का एक अहम रुकन नमाज है। नमाज का मजाक उड़ाने वाली ये वीडियोस अक्सर औकात सोशल मीडिया पर देखी जाती हैं, जिनको लोग फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी धड़ाधड़ शेयर करते हैं। हमने उलमा से रहनुमाई के बाद ये वीडियो बनाने का फैसला किया, जिसमें उलमा ने हमें बताया कि ऐसी वीडियोस बनाना न सिर्फ गुनाह बल्कि गुनाह कबीरा के जुमरे में आता है, और जो लोग दूसरों को हंसाने के लिए महज इस तरह की वीडियोस बनाते हैं वो ऐसा मत करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि नमाज में बंदा अपने रब से हम कलाम होता है, और नमाज में न सिर्फ बंदे और अल्लाह के दरमियान गुफ्तगू होती है बल्कि उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है, और नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे दिल को सुकून हासिल होता है। फिर न जाने क्यों कुछ नादान ऐसी हरकतें करते हैं जिससे इस्लाम की बदनामी होती है, और इस अमल में शरीक हर शख्स गुनाह का मुर्तकिब है। याद रखिए, नमाज आपके दिल और चेहरे का नूर है, जिस्म की राहत है, रहमत का जरिया है, बेहयाई और बुरे कामों से छुटकारा दिलाती है, आपके रिज्क को कुशादा करती है, कब्र में आपकी साथी होगी, नमाज आपके लिए जन्नत में दाखिले का परवाना है और आग से निजात का सबब बनेगी। लिहाजा आइए अपने माजी के गुनाहों पे अल्लाह और उसके हबीब से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, और मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी वीडियो का हिस्सा न बनने का फैसला करें। बेशक परवरदिगार रहीम और करीम है, और वो गुनाहों को बख्शने वाला है।